Okay, students, so yesterday we were talking about the hymen. Hymen is also known as maiden head. This is a membrane which is partially covering the vaginal opening and it is often torn during the first coitus. See, जो ये vagina है, vagina के अंदर थोड़े से अंदर जाके ये hymen की जो होती है thin, बहुत ही thin membrane होती है. It is known to cover the vaginal opening. It is known to cover the vaginal opening. It may cover or it may not cover. ठीक है? Partially cover कर सकती है, fully cover कर सकती है, more than partial कर सकती है, less than partial कर सकती है, या बिल्कुल ही slight हो सकती है. It depends and it varies from person to person. अब देखो, the next thing that we were discussing was about that. Hymen may break by sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sport items, etc. In some women, hymen persists even after the coitus, so hymen is not a reliable indicator of virginity. If we want to talk about virginity, if we want to talk about the virginity of a woman in the case of hymen, so hymen just a layer hai, ek membrane hai, it is very thin membrane, hame sabko pata hai. But the thing is ki agar koi bhi gir gaya, suppose karo kisi ka koi accident hua hai due to falling from the chhat se gir gaya, mountain se gir gaya, ya bahut hi slight height से कोई बंदा गिर गया नीचे गलती से एंड वो बच गया, ठीक है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसकी जो वजाइनल ओपनिंग है वो टीयर हो चुकी, जो हाइमेन है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है. अब अगर कोई भी लड़की स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक्टिवली परफॉर्म कर रही है स्पोर्ट्स में, उससे भी चांसेस है कि स्पोर्ट्स में बेसिकली परफॉर्म करने से क्या होता है, स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने से दिस इज द फैक्टर कि आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो तो हो सकता है कि बिकॉज स्पोर्ट्स में हमें जंपिंग करनी पड़ती है, हमें रनिंग करनी पड़ती है, वी हैव टू एक्सरसाइज सो हार्डली, तो हो सकता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स जब वो प्रेशर लगा रहे हैं तो उस प्रेशर की वजह से जो हाइमेन है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है. सो This is also one fact. किसी की गिरने की वजह से हो सकता है, साइकिलिंग की वजह से, रनिंग की वजह से, स्विमिंग की वजह से हो सकता है हाइमेन ब्रेक. और वी कैन से कि ओके टैम्पॉन्स, वजाइनल टैम्पॉन क्या होता है, वजाइनल टैम्पॉन इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विच इज इंसर्टेड इनसाइड द वजाइना टू प्रिवेंट द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्रॉम लीकेज. लीकेज ना हो इसलिए हम टैम्पॉन यूज करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत सारी लेडीज में, बहुत सारी नॉन वर्जिन लेडीज में ये जो हाइमेन है इंटैक्ट पाया जाता है इवन आफ्टर द कोइटस, थस इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. कई लेडीज में क्या होता है कि उन्होंने फर्स्ट कोइटस किया तो हाइमेन नहीं ब्रेक हुआ, सेकेंड कोइटस किया उसमें हाइमेन ब्रेक हो गया, ठीक है. कईयों में ऐसे होता है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम भी हाइमेन नहीं ब्रेक हुआ, इट ब्रेक्स आफ्टर 6 to 7 टाइम्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि हाइमेन ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा. नाउ क्लाइटोरिस, व्हाट इज क्लाइटोरिस? क्लाइटोरिस इज अ डिफरेंट इज एन अनदर ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेसिकली द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. It is a highly sensitive organ lying just in front of the urethral opening. ये हमारी urethral opening है, इसके इसके सामने बिल्कुल ऊपर, इसके सामने बिल्कुल ऊपर ये जो part होता है, this is the clitoris. This is a highly sensitive organ. ये sense करके बताता है कोई भी change अगर हो रहे हैं, irritation होती है सबसे ज्यादा इसी में होती है. ये इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों होता है? इट सेंसेस वेरी इजीली, क्योंकि अगर हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को नुकसान हो गया तो हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नुकसान हो सकता है, इसलिए
यही क्लिटोरिस इज द पार्ट दैट इज हाईली सेंसिटिव एंड दैट सेंस एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द बॉडी. नाउ मेमोरी ग्लैंड्स एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ female body. It is not a part of reproductive system, but of course it is a part of female body. It helps the embryo in it helps in the nourishing of the infant and thus bahut zyada immunity nutrition bhi provide karta hai. So what are mammary glands? A pair of mammary gland contain glandular tissue and fat. मेमोरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और फैट टिश्यू होता है. ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 टू 20 मेमोरी लोब्स. इसमें 15 टू 20 मेमोरी लोब्स होते हैं. कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मेमोरी एल्वियोलाई. ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 टू 20 मेमोरी लोब्स. ये जो है इंडिविजुअली आपको दिख रहे हैं ये लोब्स हैं. लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई जो है दैट इज द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट है जो दैट मेक्स द ब्रेस्ट लुकिंग मोर इंटैक्ट. ये जो एल्वियोलाई है दिस इज द ग्रैंडुलर टिश्यू. ये ग्लैंड है ये सेक्रीशन में हेल्प करता है. द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सेक्रीट मिल्क. इट इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई. मिल्क सेक्रीट कब होना शुरू होता है? जब एक लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट होता है. देर इज नो मिल्क इन द एल्वियोलर सेल्स. देर आर एल्वियोलर सेल्स लेकिन एल्वियोलर सेल्स मिल्क नहीं सेक्रीट कर रही. ये मिल्क कब सेक्रीट होना शुरू होता है? आफ्टर फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद मिल्क सेक्रीट होना शुरू हो जाता है. एंड आफ्टर द बेबी इज बर्थ ये ग्लैंड्स की ओपनिंग भी है वो हो जाती है जिसकी वजह से द मदर इज एबल टू नरिश हर बेबी. अब जब ये मिल्क सिक्रीट होता है तो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? एल्वियोलाई के अंदर. इट इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई. नाउ द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी टेब्यूल्स. ये देखो दिस इज द फैट. यू कैन सी दिस येलो पार्ट इज ऑल द फैट दैट इज मेकिंग अ मेमोरी ग्लैंड. This is the alveoli. Alveoli क्या कर रहा है? Milk secrete कर रहा है. And this is the tubules, mammary tubules. Mammary tubules are leading to. These are mammary ducts which are leading to the mammary tubules. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct. Which is sucked out. Now अब हम पढ़ते हैं इसकी अच्छे से इसकी formation. ये clusters है alveoli. Alveoli tubules के साथ जुड़ा हुआ है. ये tubules दो tubules बन मिलके एक tubule form करते हैं. फिर वो duct form करता है. ये duct मिलके मेमोरी एम्प्यूला फॉर्म करते हैं. मेमोरी एम्प्यूले सारे मेमोरी एम्प्यूले मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये जो है हमारी लैक्टिफेरस डक्ट. नाउ लेट अस रीड अबाउट दिस सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन. मेमोरी एल्वियोलाई. Mammary alveoli are forming the mammary tubule. Mammary tubule is forming the mammary duct. Mammary duct is forming the mammary ampulla. Mammary ampulla is forming the lactiferous duct. Lactiferous jo duct hai hamari, that is further forming the outer portion jahan se milk is sucked out through nipple by the baby. Okay?
से पढ़ते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई क्या करते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं मिल्क को सिक्रीट करने के बाद स्टोर करके रखते हैं अपनी एल्वियोलाई की कैविटीज में. द नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी टिब्यूल. मेमोरी टिब्यूल क्या है, मेमोरी टिब्यूल इज द ट्यूब जिसको बेसिकली मेमोरी एल्वियोलाई मिलके बना रहे हैं. देन कम्स द मेमोरी डक्ट. मेमोरी डक्ट फर्दर फॉर्म्स द मेमोरी एम्प्यूला. मेमोरी एम्प्यूले मिलके क्या बना रहे हैं, हमारी लैक्टिफेरस डक्ट. एंड लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, मिल्क इज सक्ड आउट. नाउ इसको अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो वो आप कैसे लिखोगे. Alveoli open up into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Tubule of each lobe, हर लोब के ये क्या है, ये बहुत सारे lobes हैं. ये हमने देखे थे ना कि एक mammary gland में 15 to 20 lobes होते हैं. उस लोब में से mammary duct निकलती है. Mammary duct मिलके mammary ampulla बनाती है. There are primary mammary duct and secondary mammary duct. ठीक है, दो प्राइमरी मेमोरी डक्ट मिलके सेकेंडरी मेमोरी डक्ट बना रहे हैं. बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी डक्ट मिलके मेमोरी एम्प्यूला बना रहे हैं. देन मेमोरी एम्प्यूला जो है, तीन चार मेमोरी एम्प्यूला मिलके लैक्टिफेरस डक्ट बना रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्क इज फाइनली सक्ड आउट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. I hope you understand it and got it very well. Next, we are going to start with the topic of gametogenesis. So now we are going to start with the topic of gametogenesis. Gametogenesis, kya hota hai? The process of formation of gametes is known as gametogenesis. Gametogenesis होती कहाँ पे है? Gametogenesis takes place inside the gonads. First of all, let us read the definition of gametogenesis. Gametogenesis is a formation of gametes in the gonads. And what are gonads? Gonads are sex organs. जो हमारे sex organs हैं, these are the gonads. That is testis and ovary. Testis and ovary, these are the gonads. Testis के अंदर sperms की formation को and ovary के अंदर ova की formation को हम क्या बोलते हैं? Gametogenesis. Now in human beings, gametogenesis is of two types. कौन-कौन से two types? Spermatogenesis. Spermatogenesis is the formation of sperms and oogenesis. Oogenesis is the formation of ovum. ये ऊपर वाली diagram में हमें spermatogenesis दिखाई गई है. एंड नीचे वाली डायग्राम में हमें क्या दिखाया गया है, दैट इज द ओजेनेसिस. दिस इज द ओवा. ओवा के अंदर हमने पढ़े थे ग्राफियन फॉलिकल्स हैं. ग्राफियन फॉलिकल्स के सेंटर में ओवा होती है एंड इट इज शोइंग द ओजेनेसिस. ओके, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद स्पर्मेटोजेनेसिस. Spermatogenesis is the process of formation of sperms in the seminiferous tubules of the testis. The process of formation of sperms in the seminiferous tubules of the testis. Stages of spermatogenesis: formation of spermatids, spermatogonia, produce spermatids. Stages कौन कौन सी होती है? First stage is the formation of spermatids. Spermatids से finally sperm बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Spermiogenesis. First क्या होता है? सबसे पहले होता है formation of spermatids. उसके बाद spermatids से spermiogenesis हो जाता है. Spermatogonia क्या होता है? Sperm mother cell, जैसे ovum mother cell था, pollen mother cell था, megaspore mother cell था, वैसे ही human beings के अंदर क्या होता है? Sperm mother cell. Sperm mother cell का दूसरा नाम होता है spermatogonia. Spermatogonia क्या करता है? ये spermatids produce करता है. Spermatids transform into the sperm finally and this process is known as spermiogenesis. Yes.
स्पर्मेटोगोनिया क्या है हमारा? डिप्लॉयड, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया पहले माइटोसिस बनाता है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद वो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसका नाम होता है। ये सारे नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ बेसिकली प्रोसेस या मैकेनिज्म है, तो इसको आपको अगर पढ़ना है तो आपको समझ के ही पढ़ना होगा, इसके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। देयर इज नो अदर वे रिमेम्बरिंग अदर देन रिमेम्बरिंग द नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, इट फॉर्म्स, इट डज द माइटोसिस, माइटोसिस करने के बाद वो क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मियोसिस वन करते हैं, मियोसिस वन करने के बाद वो हैप्लॉयड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया इज द मदर, स्पर्मेटोसाइट इज द स्पर्म, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या होता है, वो हैप्लॉयड होता है, सॉरी वो डिप्लॉयड होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द हैप्लॉयड। ठीक है, हैप्लॉयड के बाद वो मियोसिस टू कंप्लीट करने के बाद फर्दर स्पर्मेटिड्स बनाता है, एंड स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड। ये हमने पढ़ा था ना कि स्पर्मेटिड्स जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, एपिडिडमस के अंदर वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बाद वो फाइनली स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोसेसेस का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज मियोसिस और माइटोसिस, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज माइटोसिस, इट फॉर्म्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस वन, मियोसिस वन करने के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है जो हैप्लॉयड है, देन मियोसिस टू होती है, उसके बाद स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं जो क्या है, वो भी हैप्लॉयड है, एंड अल्टीमेटली स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से हमारे स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा क्या था, डिप्लॉयड, मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, कितने होते हैं वो, दो इन नंबर, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करने के बाद दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू के बाद टू स्पर्मेटिड्स बनाता है, स्पर्मेटिड्स आर द इमेच्योर स्पर्म्स, थस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फोर स्पर्म्स या स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, स्पर्मेटिड्स आर द इमेच्योर स्पर्म्स, सो एक स्पर्मेटोसाइट की हेल्प से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं, या ऑफ कोर्स द फोर स्पर्म्स। स्पर्मिएशन, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स टू गेट नरिशमेंट, दे आर रिलीज्ड इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुंचना, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्पर्मिएशन या स्पर्मिएशन। ओके, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है, वो क्या करता है, GnRH हार्मोन सेक्रेट, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीजिंग हार्मोन वो सेक्रेट करता है। ये हार्मोन है GnRH हार्मोन, पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी फिर दो हार्मोन रिलीज करता है मेल्स के अंदर, फर्स्ट इज द लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड नेक्स्ट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन को सेक्रेट करना, टेस्टोस्टेरोन का नाम ही एंड्रोजन है, और एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को फर्दर स्टिमुलेट करता है। FSH क्या करता है, FSH सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, नर्स सेल्स पे एक्ट करता है, इट फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उसको इनहांस करता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस हमारी प्रॉपरली हो सके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इजी एज वेल, आपको पता ही है स्पर्म के अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। टेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ताकि वो भाग सके, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, हेड इज द मेन पार्ट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो अंदर जाके फ्यूज करता है। 0.06 मिलीमीटर
लॉन्ग होता है हमारा एक मैच्योर स्पर्म, उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड उसके थ्री रीजन्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड द टेल. हेड इज ओवल शेप्ड, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम. उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर एक्रोसोम होता है. एक्रोसोम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवा को जाके अंदर फर्टिलाइज कर सके. ठीक है, हेड के बाद देयर इज स्मॉल नेक. नेक क्या करी है, मिडल पीस को कनेक्ट करने में हेल्प करी है, बहुत ही स्मॉल नेक होती है. मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म का बना है. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी लेता है, एनर्जी लेता है, एनर्जी लेता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए स्पर्म को. स्पर्म को बहुत ज्यादा रास्ता क्रॉस करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके फीमेल के, और उसमें कौन हेल्प करता है, टेल. टेल के अंदर एक एक्सियल फिलामेंट होती है जो मूव करने में हेल्प करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेने के बाद मूवमेंट करती है एंड फाइनली स्विम करते 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 वो कहाँ पे पहुंच जाती है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां पे हमारी फर्टिलाइजेशन ने होना है. ठीक है, एक इजेक्युलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं. एक इजेक्युलेशन में, एक बार इजेक्युलेशन में 200 से 300 स्पर्म रिलीज होते हैं. इतने ज्यादा स्पर्म क्यों रिलीज हो रहे हैं, इतने ज्यादा स्पर्म इसलिए रिलीज हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स 200 से 300 मिलियन में से सिर्फ 5% स्पर्म्स ऐसे हैं जो रहते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. 60% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्योरस मोर्टेलिटी. इसीलिए बोलते हैं कि एज ज्यादा होने के बाद हमारी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी पे भी असर पड़ता है क्योंकि स्पर्म की शेप प्रॉपर नहीं रहती है, स्पर्म में एनर्जी प्रॉपर नहीं रहती है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है कि एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है क्योंकि स्पर्म की शेप एबनॉर्मल हो जाती है, या ओवा में भी शेप एबनॉर्मल हो जाती है, प्रॉपर डिविजन नहीं होती है इसलिए.